अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्थी। दिस इज दी स्क्वायर स्कूल सिस्टम घटकी। वेलकम टू न्यू क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 4। दिस इज द कंटेंट्स ऑफ लेसन्स यूनिट्स चैप्टर। यूनिट 1 प्लेस वैल्यू। क्लास 4 यूनिट 1 एक्सरसाइज नंबर 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड द वर्ड्स इन द पाकिस्तानी वे। ये हमें डिजिट्स दिए गए हैं, हमें क्या करने हैं, नंबर्स में दिए गए हैं, हमें किस में लिखने हैं, वर्ड्स में लिखने हैं। ये पहला एग्जांपल दिया गया है 32,25,312। ये दिया गया है नंबर्स में दिया गया है, हमने किस में लिखा है, डिजिट्स में, वर्ड्स में लिखा है। पहला नंबर दिया गया है 14,46,782। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 24,36,342। क्वेश्चन नंबर 3 29,98,98,434। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डू योर सेल्फ या खुद इसी तरीके से आप लोगों को नंबर्स में मिले हुए हैं, आप लोगों में वर्ड्स में इन्हें सिर्फ चेंज करने हैं जैसे मैंने इन्हों को किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। पार्ट बी पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल वे। ये हमें दिए गए हैं, हमें इंटरनेशनल वे में मीन्स नंबर्स में दिए गए हैं, हमें क्या करने हैं, इंटरनेशनल वे में लिखने हैं। एग्जांपल नंबर 1 मिला हुआ है कि 4,386,421। ये जो हमें नंबर्स डिजिट में दिए गए हैं, अब हमें किस में चेंज करने हैं, वर्ड्स में, पर इंटरनेशनल वे में करने हैं। जैसे 4 मिलियन होगा 386,421। नंबर वन हमें डिजिट्स में दिए गए हैं, हमें किस में चेंज करने हैं, 4,693,234। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिला हुआ है 7,389,436। ये हमें वर्ड्स में नंबर्स में मिले गए हुए थे, हमने इन्हें वर्ड्स में चेंज किया। कैसे वर्ड्स में चेंज किया, जैसे यहीं पे एग्जांपल एक मिला हुआ था, दूसरा मैंने किया, तीसरा किया। उसके बाद किस में करने हैं, इंटरनेशनल वे में करने हैं। वो थे ऊपर वाले थे पाकिस्तानी वे में थे, नीचे वाले थे इंटरनेशनल वे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे पार्ट बी के। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के भी मैंने होमवर्क में दिए हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के भी आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं। आप लोग इसकी अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जांपल देखें अच्छे तरीके से, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आई होप आर यू नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।